हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है हमारे लिए और उन सभी साथियों के लिए जो कि इस साल का इस दिन का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से अयोध्या की फर्स्ट फ्लाइट, जो आज हमें मौका मिला है उस फ्लाइट में ट्रैवल करने का, अयोध्या धाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कुछ अंदर फ्लाइट का व्यू था जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचक भरा था। लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भरी पड़ी थी। फ्लाइट जो थी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही थी, जो उसका कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फ्लाइट से बाहर का कुछ नज़ारा जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। और भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट फ्लाइट मिलना अपने आप में ही बड़ा चैलेंज था। पता नहीं सीट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, वो विंडो वाली, बट फाइनली हमें वो टिकट मिल गई थी और हम अयोध्या पहुँच गए। ये आ गए हैं अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं। ये आ गया एयरपोर्ट। ये देखिए लोग पर जयकार है, कैसे लग रहे हैं लोग जयकार। ये फाइनली ये फ्लाइट लैंड होती है। ये देखिए कितनी फ्लाइट हमारी है, लैंड हो गई है, सफलतापूर्वक लैंड हो गई, सफलतापूर्वक श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड हो चुके हैं। 30 दिसंबर 2023 को हम अयोध्या में फर्स्ट फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा लैंड हो गए। जय श्री राम, हर हर महादेव। फाइनली लैंड हो गई ये फ्लाइट हमारी, हम पहुंच गए हैं अयोध्या श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम पहुंच गए हैं। और ये है हमारी फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस, फर्स्ट डे फर्स्ट फ्लाइट और एकदम ब्रांड न्यू फ्लाइट। अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और फाइनली हम लोग अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए हैं। और बस अब कुछ ही देर में है एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे और अंदर का सीन जो है, जो भी चीज़ होंगी वो दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी इस तरफ अभी एविएशन टावर था और बाकी हम अंदर चल रहे हैं। और आपको ये है अराइवल, यहाँ से एंट्री होगी और ये फाइनली हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागाच खुल जाएंगे, राम आएंगे। और भाई एयरपोर्ट के अंदर का सीन तो देखने वाला है, मतलब बताया नहीं जा सकता। वहाँ आप अंदर जाओगे ना, जिस तरीके से पूरी रामायण को दिखाने की कोशिश करे गए ना, एक ऐसी पेंटिंग क्रिएट करके, मतलब शॉर्टली आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्या क्या कब कैसे क्या होता, पूरी रामायण को आप समझ सकते हैं। उस तरीके से पूरे एयरपोर्ट को बनाया गया है। सो फर्स्ट फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एयर इंडिया इज़ गुड, एयरपोर्ट इज़ गुड। और बाकी बस अब 6 तारीख से सारी फ्लाइटें कमर्शियली शुरू होंगी और उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी बहुत इजीली हो जाएगी पूरी स्टेट से, मतलब पूरी कंट्री से, आप कहीं से भी आ सकते हैं। सो ये था मेरा कुछ व्लॉग, होप सो आप सभी को अच्छा लगेगा। सो फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी और नई जगह।
तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और लेते हैं प्रभु का नाम, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जय श्री राम। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।